पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने की मुहिम रंग लाती हुई दिख रही है। इस मामले में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य देशों की चीन के साथ बातचीत काफी बेहतर स्थिति में पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि चीन को इस मामले में समझौते के करीब लाया जा चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर अजहर को औपचारिक तौर पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने की मुहिम अंजाम तक नहीं पहुंच पाई तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जल्दी एक नया प्रस्ताव भी ला सकते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को चीन ने लगातार चौथी बार अजहर के खिलाफ प्रस्ताव में अड़ंगा डाला था, लेकिन वो बच नहीं सकता, उसे जवाब देना होगा कि आखिर उसका मत ना देना है और अजहर मसूद को बचाना क्यों जरूरी हो गया है।